एजुकेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है. रिसेंटली अभी स्कॉलर्स मंत्रा में टीजीटी एंड पीजीटी की एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, एंड यूजीसी रिलेटेड एग्जामिनेशन की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है. अभी यहाँ पर आप अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको तो नहीं मिल पा रही, दैट मीन्स आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है. इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको इस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो अगर आप जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक भी नंबर से या फिर किसी भी रीजन की वजह से एग्जामिनेशन मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल नंबर एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे दी गई है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं. अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में. एंड सो टुडेज वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम लोग थ्योरी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं. स्कॉलर्स मंत्रा में 2 मंथ्स का फ्री कोर्स कराया जा रहा है एंड दिस जो फ्री कोर्स है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं और जो अभी ड्यूरिंग प्रैक्टिस है ताकि हमारी क्लासेस के थ्रू उनको एक ओवरव्यू मिल जाए और एक प्रिपरेशन उनकी बहुत अच्छे से हो सके. यस, गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग अनुराधा, गुड इवनिंग पुलिस, समिया, ऋषभ, सुनील, वेलकम अगेन. ओके, सो जो हमारी क्लासेस है वो ट्यूजडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को होती है. तो आज फ्राइडे है और आज 6:30 बजे, तो 6:30 बज चुके हैं और आज हमारी थ्योरी क्लास है. तो आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी सिस्टम विच कम्स इन द फिजियोलॉजी. और फिजियोलॉजी का मतलब ये मान लीजिए कि फिजियोलॉजी में जो सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एनर्जी सिस्टम. बिकॉज इस टॉपिक में से काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं. सो कंटेंट्स की बात करें तो व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स, तो बायो एनर्जेटिक्स से हम लोग बात करेंगे. व्हाट इज एटीपी, एटीपी के बारे में हम लोग बात करेंगे. देन हाउ एटीपी गेट्स जनरेटेड, तो एटीपी कैसे रीजनरेट होता है डिप्लीट होने के बाद, उसकी बात करेंगे. देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और फैट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मतलब ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे मेटाबोलाइज्ड होते ताकि एनर्जी दे सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट द एमसीक्यूज ऑन टुडेज टॉपिक. तो ये है आज का कंटेंट. तो आज का कंटेंट और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये इसी वीडियो में आप पूरे एनर्जी सिस्टम को कवर कर सकते हैं. ओके, हो सकती है हमारी क्लास 1 घंटे की हो सकती है, 1 घंटे से ऊपर की हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आज ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करके जरूर जाएंगे. चले, आई रियली होप कि आपके सारे जो एटीपी रिलेटेड या फिर एनर्जी रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे. चलिए, गुड इवनिंग मिकी, गुड इवनिंग शलिका, गुड इवनिंग बिंदु, ऋषभ, गुड इवनिंग टू ऑल अगेन. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो बायो एनर्जेटिक्स की बात की जाती है तो व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स. एक सेकेंड. ओके, तो हम लोग बायो एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं. तो बायो का वर्ड का मतलब जो होता है इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो दिस बायो वर्ड इज रिलेटेड विद द रिलेटेड टू लाइफ और लिविंग बीइंग्स. ओके, लिविंग बीइंग्स एंड ये लिविंग बीइंग्स में जो एनर्जी, एनर्जेटिक मींस एनर्जी. ओके, तो ये जो लिविंग बीइंग्स में जो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, किस तरीके से यूटिलाइज होती है, किस तरीके से यूज की जाती है, उसी को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है. सो इट इज द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, ट्रेवल करती है, किस तरीके से फॉर्म होती है और दोबारा से रीजनरेट होती है, उसी की स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है. ओके, नाउ लॉज ऑफ एनर्जी. अब हम एनर्जी की बात करें, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में भी जान लेते हैं. तो एनर्जी का जो लॉ है वो ये बोलता है, नंबर वन, फर्स्ट लॉ इज सेइंग, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. भाई जो एनर्जी है वो कभी भी ना खत्म हो रही है ना दोबारा से बन रही है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है. एग्जाम्पल, अगर जब हम कभी भी ड्रेसअप होते हैं तो ड्रेसअप के लिए जब भी ड्रेसअप के लिए बिंदु हम लोग आयरन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो प्लग है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके आयरन में जो हीट है उसमें कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है. दैट मींस दैट एनर्जी वहां पे कोई नई एनर्जी नहीं बनी है, वही सेम एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वही हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई है. दैट इज द फर्स्ट लॉ. एंड द सेकेंड लॉ इज सेइंग, इट टेल्स अबाउट द प्रोसेस ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन ऑफ द रेंडमनेस डिसऑर्डर
इंक्रीज इन साइज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी. तो दिस लॉ, ये जो सेकंड लॉ है, ये बोल रहा है एनर्जी का, कि जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करती है वो एकदम रैंडम तरीके से करती है, ओके, विदाउट एनी ब्रेकिंग, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, वो एकदम से ट्रेवल करती है. दूसरी चीज इंक्रीज इन साइज, दैट मीन्स व्हेनेवर एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इट ट्रेवल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर हम लोग अपने बॉडी का एग्जाम्पल लें, वार्म अप के टाइम पे जब हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग वार्म अप करते हैं. व्हाई? ताकि हम अपने एनर्जी सिस्टम को इंक्रीज कर सके, हमारा ब्लड फ्लो, हमारा टेम्परेचर, हीट, एवरीथिंग गेट इंक्रीजेस. और ये इंक्रीज कैसे होती है, ये जैसे एनर्जी डेवलप होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, फिर एक आता है आपका ऑप्टिमम लेवल, जहां पर आप उस एनर्जी लेवल से अपने आप को मैच कर फिर एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं. तो ये सेकंड लॉ समझ में आया कि भाई सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, कि कोई भी एनर्जी जब बन रही है तो वो एक स्लोली स्लोली बन, लेकिन रैंडम तरीके से, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एक रैंडम तरीके से इंक्रीज हो रही है. और एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है एनर्जी से, क्या हो रही है, फिर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? यस, बिल्कुल सही है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मसल कॉन्ट्रैक्शन. देखो, मैं आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप लोगों ने आधा टॉपिक देखा फिर आप लोग इट्स ओके, कोई बात नहीं मैम, हम लोग बाद में देखेंगे. नो, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला. ओके, और ये जो सिस्टम है, एटीपीपी सिस्टम और एरोबिक सिस्टम और एनारोबिक सिस्टम, ये मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि इसी टॉपिक को बनार में समझाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. बट फिर भी आई विल ट्राई कि पूरे सिस्टम को मैं आपको एक घंटे में सिखा दूं, और आप लोग जो आज इस वीडियो से लेकर जाएंगे वो इतना तो एटलीस्ट लेके जाएंगे, कल को एग्जामिनेशन में, टीजीटी और पीजीटी के लेवल की बात करूं, एग्जामिनेशन में अगर इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसको कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्स, तो जब भी आपकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फिजिकल एक्टिविटी की, तो ये फिजिकल एक्टिविटी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ही होगी. दैट मींस अगर जब तक आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन इज द ओवरलैपिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन. जो वहां पर मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो जब ओवरलैप होते हैं तभी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब ये ओवरलैपिंग वगैरह एक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. बट फिर भी जस्ट आप समझ लीजिए कि जब भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी की वजह से ही फिजिकल एक्टिविटी होती है. अब ये इन सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. अब एनर्जी हमें कहां से मिल रही है? अब अगर ये चीज किसी स्टूडेंट से पूछी जाती है तो एनर्जी के लिए क्या बोलते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिंस. नो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, है ना? बट ये एनर्जी सोर्स तो है, बट ये एनर्जी सोर्स किस चीज को दे रहे हैं? आपकी बॉडी डायरेक्टली किसी भी न्यूट्रिएंट को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करती है, उसको टूटना पड़ता है, ब्रेक होना पड़ता है, काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तब जाके वो पर्टिकुलर एनर्जी आपकी बॉडी यूज कर पाती है. ओके, अगर आप यहाँ पे एग्री कर रहे हैं इन सारी चीजों को, तो आप लोग यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, और आप लोग ग्रुप में जरूर कमेंट करके रखिएगा, क्योंकि यही चीजें मुझे फिर मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगी. बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आप लोगों के रिप्लाईज नहीं आए, बिकॉज ये लाइव सेशन है, जब तक आप लोगों के रिप्लाईज नहीं आए तो टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों के रिप्लाईज भी जरूरी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर है. अब ये जो एनर्जी है ये कैसे बन रही है? जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी में वो ब्रेक हो रही है, ब्रेक होने के बाद फिर वो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है. किस तरीके से? लाइक दिस, सी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जो एनर्जी आपको मिल रही है उसका मेन सोर्स क्या हो जाएगा? उसका मेन सोर्स हो जाता है एटीपी. ओके, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दैट मींस ये मान लीजिए कि ना ही वो है कार्बोहाइड्रेट, ना ही प्रोटीन, ना ही फैट्स, ये तीनों नहीं है. तो मेन एनर्जी जो आपकी बॉडी में जो दे रहा है वो है एटीपी, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा. तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और यहीं से सबसे पहले आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ ऑर्गेनिक केमिकल दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द ड्राइव मेनी प्रोसेसेस इन लिविंग सेल्स. जितने भी लिविंग सेल्स है उनको लिव करने के लिए, उनको अपनी एनर्जी, उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रोसेस करने के लिए जितनी भी एनर्जी की नीड होती है, दैट इज एटीपी. तो सबसे पहले एटीपी क्या काम कर रहा है? तो यहाँ पे जो फंक्शन देखिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो भी फर्स्ट एक्टिविटी हो रही है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एटीपी. नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन, जो कि नर्व इम्पल्सिस. ओके, दैट मीन्स आपकी बॉडी का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन,
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, बट मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब नर्व इम्पल्स रीच करेगी, क्या करेगी? बिल्कुल सही है, यस, नर्व इम्पल्स रीच करेगी तभी तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी जो नर्व इम्पल्स रीच कर रही है इसके लिए भी तो एनर्जी की जरूरत है ना, दैट मींस आपकी बॉडी का चाहे कोई भी सेल हो, टिश्यू हो, चाहे कोई भी इम्पल्सेस हो, कोई भी स्टिमुलस हो, रिस्पॉन्स हो, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी है एंड केमिकल सिंथेसिस ऑल्सो, केमिकल सिंथेसिस मीन्स केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे हम, केमिकल रिएक्शन, तो सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी के सारे प्रोसेस को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। नाउ एटीपी इज फॉर्म ड्यू टू द रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड द एनोरोबिक। नाउ अब यहाँ पे जो एटीपी है, ये एटीपी आ कहाँ से रहा है, है ना? एटीपी स्टोर्ड इन, कम ऑन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि एटीपी कहाँ स्टोर होता है हमारे बॉडी में, तो एटीपी कहाँ स्टोर होता है वो आप लोग मुझे बताएंगे। दो यहाँ पे बात कर रहे हैं एटीपी फॉर्म कैसे हो रहा है, तो एटीपी दो तरीके से फॉर्म हो रहा है, एक एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। ओके, अब एरोबिक का मतलब हो रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रहा है, और एनारोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में बन रहा है। बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल रोल इन मेटाबॉलिज्म, एटीपी फ्रीक्वेंटली रिफर टू एज कॉमन केमिकल इंटरमीडिएट। तो ये जो एटीपी है, इसके इतने सारे फंक्शन है बॉडी के, हर एक एनर्जी के लिए एटीपी रिक्वायर है, तो इतने सारे फंक्शन की वजह से इसको कॉमन केमिकल इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली we are able to do the physical activities, right? Yes, बिल्कुल सही बिंदु, ATP stored in the muscles, बिल्कुल सही है आप। तो ATP केवल और केवल मसल में ही स्टोर होता है, कम ऑन। अब ATP मसल में स्टोर होता है, अब ATP मसल में कहाँ स्टोर होता है, कम ऑन, ये भी कम ऑन लिखेंगे आप लोग कि ATP मसल्स में भी कहाँ स्टोर होता है, कम ऑन, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। नाउ अब अगर ATP के फंक्शंस की बात करें, तो ATP का फंक्शन हो गया नंबर वन, टू डिलीवर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो दैट मींस जो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, नाउ मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस केमिकल रिएक्शंस। इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए केमिकल रिएक्शंस समझ लीजिए। दैट मींस जो भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता क्यों है? मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपकी बॉडी है, बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। व्हाई? बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम हर एक कंपाउंड को, हर एक न्यूट्रिएंट को, हर एक केमिकल को तोड़ता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने का मतलब ही है क्योंकि जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो आपकी बॉडी किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसको तोड़ती है, ओके, ब्रेक करती है। अब यूज करने के लिए वो उसको तोड़ भी रही है, और जब उसको एनर्जी की नीड है तो उसको कुछ बना भी रही है। तो ये तोड़ना और बनाना, That is known as the metabolic process, और metabolic process दो parts में divide है, एक catabolism और दूसरा anabolism। मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे। Yes, mitochondria chemical reactions change stores in muscles। नहीं, muscles में कहाँ store? Come on। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, बट आई वॉन्ट कि आप लोग भी यहाँ पे आंसर्स दें। तो यहाँ पे जो metabolism है, ये catabolism and anabolism। Okay? तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, जब भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, दैट मींस दैट इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म एंड विच कम्स अंडर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंड जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो दैट इज नोन एज द एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, इतना समझ लीजिए बस। ओके, आगे चलते हैं अभी। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि एटीपी है। नाउ सेकंड वन, टू ट्रांसपोर्ट नीडेड सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। तो भाई मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन का मतलब हर एक सेल की बात कर लो, आपके बॉडी के हर एक पार्ट की बात कर लो, वहां पे मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ दिस सेल, एंड सेल में कोई चीज एंटर करती है, सेल से कोई चीज बाहर जाती है, न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल करते हैं, लिक्विड ट्रेवल करता है ना। तो ये सारी चीजें जो ट्रेवल करती है, वो भी उसके लिए भी एटीपी रिक्वायर्ड है। दैट मींस सेल के पर सेल के फंक्शंस के लिए भी, टिश्यूज के फंक्शन के लिए, मसल्स के फंक्शन के लिए भी, हर एक बॉडी के फंक्शंस के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टू डू मैकेनिकल वर्क सच एज मूविंग मसल्स। तो मसल्स के लिए भी एटीपी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझी कि भाई बेसिकली एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी। ओके, लाइफ अगर है तो वहां पे एटीपी यूटिलाइज होगा। नाउ आफ्टर मसल फटीग, अब भाई जो भी आपकी बॉडी है जब काम कर रही है तो थकान तो होगी ना। यस, व्हाई? अच्छा, फटीग क्यों होता है मसल में या फिर आपकी बॉडी में? फटीग होता है बिकॉज ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स। ओके, बिकॉज ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स। अब ये बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं?
बाय प्रोडक्ट्स तब होते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, जो कि एक्स्ट्रा होते हैं. ओके, जो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो भी कंपाउंड यूटिलाइज हो जाता है वो आपकी बॉडी यूज कर लेती है फॉर एनर्जी, और जो बच जाता है वो फिर आपकी बॉडी एक्सक्रिएशन में दे देती है. तो बाय प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच क्योंकि रिएक्शन के बाद रह जाते हैं, विच लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, और उन्हीं की वजह से फिर आपको मसल फटीक होना शुरू हो जाता है. क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में इम्प्यूरिटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी वैसे आपकी बॉडी में फैटी का अमाउंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अगर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को आपको कंटिन्यू मेंटेन रखना है तो एटीपी को दोबारा से रीजनरेट होना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई एटीपी आपके मसल्स में स्टोर हो रहा है, केवल और केवल मसल्स में स्टोर होता है. तो यहाँ पर सार्कोलिमा, यस मिकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. लैक्टिक एसिड बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट. अब लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा है और पाइरूविक एसिड कहाँ बन रहा है, ये सारी कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर कर लेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, दिस बाय प्रोडक्ट जो भी मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी चीजें बन रही हैं, अब इसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्प्यूरिटीज डेवलप हो रही है, इम्प्यूरिटीज की वजह से आपकी बॉडी में फैटीग डेवलप हो रहा है. अब इसको हटाना पड़ेगा, एक्सक्रिएट करना पड़ेगा. उसके लिए आपके एटीपी को दोबारा से रीजनरेट होना पड़ेगा. तो एटीपी जब खत्म हो जाता है आपकी बॉडी के लिए, तो उस एटीपी को दोबारा से रीजनरेट करना है ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहे. नाउ फॉर दिस, अब सिस्टम की बात हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की. तो देखिए यहाँ पे जो एटीपी टूट रहा है, तो एटीपी टूटने के बाद एडीपी बन रहा है और फॉस्फेट ग्रुप बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है और हीट रिलीज हो रही है. कोई भी केमिकल रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडीपी बना है और एटीपी क्या था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यहाँ पे फॉस्फेट के तीन ग्रुप है इसलिए इसको ट्राई बोलते हैं, और यहाँ पे फॉस्फेट के दो ग्रुप है, टू ग्रुप्स, इसलिए इनको बोलते हैं डाइफॉस्फेट. और ये जो देख सकते हैं अभी जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अलग हो गया है यहाँ पे. अब एटीपी जब टूटेगा तो उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं ना. व्हाट आर द एंजाइम्स? एंजाइम्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच इज यूजेबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस. अब केमिकल रिएक्शंस के लिए जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज वही एक चीज है. एंजाइम्स को कैटलिस्ट भी कहा जाता है, कैटलिस्ट एंजाइम भी कह सकते हैं और इसको कैटलिस्ट भी कह सकते हैं. तो ये जब तक केमिकल रिएक्शंस में नहीं होंगे तब तक केमिकल रिएक्शंस बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती हैं. ओके, तो जब एटीपी टूटता है तो ये मायोसिन एटीपेज एक ऐसा एंजाइम है जो जिसकी वजह से एटीपी ब्रेक डाउन होता है और H2O इज ऑल्सो प्रेजेंट. अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, दैट मीन्स जो एटीपी ब्रेक डाउन होता है वो एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. कैसे? एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए हम लोगों ने उसको ब्रेक करने के लिए वाटर को यूज किया है. तो यहाँ पे एटीपी इस तरीके से ब्रेक होता है. नाउ नेक्स्ट, एटीपी जब दोबारा बनता है तो पहला सिस्टम जो उसको बना रहा है वो है पीसी सिस्टम. ओके, पीसी की फॉर्म हो गई फॉस्फोक्रिएटिन. ओके, फॉस्फोक्रिएटिन एक ऐसा सिस्टम है जो एटीपी को दोबारा बना रहा है, फिर वो एडीपी के साथ केमिकल रिएक्शन करके एटीपी बनाता है और कार्बन अलग रिलीज होता है, जो कि ऑक्सीजन के बाद में CO2 बना के आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है. नाउ जब यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन आपको दिख रही है, दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू. तो नंबर वन की केमिकल रिएक्शन के लिए आपको समझ में आ गया भाई कौन सा एटीपी टूट रहा है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, मायोसिन एटीपेज चाहिए. ठीक है ना? अब यहाँ पर जो दूसरी केमिकल रिएक्शन जिसमें एटीपी दोबारा बन रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिर उसके बाद जब एटीपी दोबारा बन रहा है तो एडीपी से दोबारा से एटीपी बन रहा है, तो वहां के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है वो है मायोसिन एटीपेज, नहीं क्रिएटिन काइनेज, सॉरी. तो ये क्रिएटिन काइनेज है जो कि एटीपी को दोबारा बना रहा है. ओके ओके, चलिए. तो यहां पे दो तरीके के एंजाइम की भी बात हो गई है. नाउ अब एटीपी स्प्लिट्स इनटू एटीपी बाय वाटर एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस. तो जब एटीपी टूटता है एडीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस. तो जब भी हाइड्रोलिसिस, दैट मींस वाटर की प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी,
तो उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एटीपी इन द मसल्स. अब ये बात बिल्कुल सही है कि एटीपी की सप्लाई बहुत कम होती है आपके मसल्स में, क्योंकि आपके मसल्स में एटीपी बहुत कम अमाउंट में स्टोर होता है. अब कितना अमाउंट में स्टोर होता है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी. ओनली स्टोर इन द मसल्स. तो यहाँ पे आपको पहले सवाल का आंसर मिल चुका है कि एटीपी आपके मसल में स्टोर होता है ओनली, और ये विद इन 3 to 4 seconds ही खत्म हो जाता है. देखो कितनी कम ड्यूरेशन इसकी, केवल 3 to 4 seconds में ही पूरी बॉडी का एटीपी खत्म हो जाता है. अब इसी को दोबारा से रीजनरेट करना पड़ता है. नाउ अगर हम लोग बात करें कि कितनी एनर्जी चाहिए, तो जब 1 mole of ATP, ओके, जब 1 mole of ATP ब्रेक डाउन होता है तो उसको -7.3 kcal/mole एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में, तो ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं. अगर वी वॉन्ट टू फाइंड द आंसर इन किलो कैलोरीज, देन द आंसर विल बी -7.3, एंड इफ यू वॉन्ट द आंसर इन किलो जूल, देन आंसर विल बी -30.88. तो ये फ्री एनर्जी है जो कि एटीपी के ब्रेक डाउन होने से रिलीज होती है. नाउ थ्री सिस्टम्स विच जनरेटेड द एटीपी अगेन. तो यस यस सुमन, अल्पेश, मोहम्मद, ऋषभ, बिंदु, यस बिल्कुल सही है. तो जब भी हम लोग एटीपी को दोबारा से रीजनरेट करते हैं तो उसके लिए जो तीन सिस्टम्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं. नंबर फर्स्ट सिस्टम इज एटीपी पीसी सिस्टम. तो एटीपी पीसी सिस्टम पहला सिस्टम है जो कि एटीपी को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है. दूसरा है एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस, और उसको आप लैक्टिक एसिड सिस्टम भी कहते हैं. और तीसरा है एरोबिक सिस्टम, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम भी कहते हैं. एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में साइंटिफिक नेम की वजह से ही पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम हमें नहीं पता, हमें एरोबिक सिस्टम पता है, क्योंकि मोस्टली वैसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में एरोबिक सिस्टम ही यूज करते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम भी इसको एक और नाम है. तो ये दोनों नेम आप यहाँ पे याद रखेंगे. सो ये हो जाता है आपके तीन टाइप के सिस्टम, एटीपीपी सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, और तीसरा है लैक्टिक एसिड सिस्टम. उसके बाद अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो किस किस तरीके से सारे सिस्टम यहाँ पे फंक्शन करते हैं. तो देखिए आपके पास तीन सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है. तो तीन सिस्टम है. पहले हम बात करते हैं एटीपी की. तो एटीपी कहाँ स्टोर है, आपके मसल्स में स्टोर है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल यूज नहीं हो रहा. मतलब एटीपी किसी की वजह से आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एटीपी अपनी वजह से ही वो अपने आप ही आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो भी अब खुद देखो, जो भी 3 to 4 seconds की एक्टिविटी होती है उसमें आप क्या, आपको वीकनेस होती है, आपको फैटीग फील होता है, नहीं फील होता है. बिकॉज एटीपी जब 3 to 4 seconds में खत्म हो जाता है तब तक आपकी बॉडी में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है. जब तक बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक आपकी बॉडी में फैटीग ही प्रोड्यूस नहीं होगा. तो आपको थकान नहीं होती है स्टार्टिंग में. अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन है 3 seconds. तो 3 seconds तक एटीपी आपकी बॉडी में खत्म हो जाता है. इसके बाद जो अगला सिस्टम है, दैट इज द एटीपी पीसी सिस्टम. वो सिस्टम आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में एटीपी को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है. अच्छा, अब एटीपी पी सिस्टम एटीपी को दोबारा से रीजनरेट करे ताकि एटीपी दोबारा से आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करे और आपकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन हो सके. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन फोकस है किसके ऊपर है, एटीपी के ऊपर. तो एटीपी ही खत्म होता है, फिर वो दोबारा से रीजनरेट होता है किसके थ्रू, ये तीन सिस्टम के थ्रू. नंबर 1 एटीपी पीसी सिस्टम, नंबर 2 लैक्टिक एसिड सिस्टम, नंबर 3 एरोबिक सिस्टम. ओके, तो ये जो एटीपी पीसी सिस्टम है ये जो फ्यूल यूज कर रहा है वो है क्रिएटिन फॉस्फेट. तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट फ्यूल यूज कर रहा है, और इसमें भी कोई बाय प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं रिलीज हो रहा है. दैट मीन्स आपकी बॉडी में थकान फटीक नहीं होगा. अब ये भी 10 सेकंड में खत्म हो जाता है. मतलब जो भी ड्यूरेशन वाली एक्टिविटीज जिनमें 10 सेकंड के कम की ड्यूरेशन है, एग्जांपल हो गया जितनी भी थ्रोज हैं, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जितनी भी जंप्स हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, ये सारी जंप्स 10 सेकंड में, ये सारी थ्रोज 10 सेकंड में खत्म हो जाती है, है ना. अब ये 10 सेकंड की एक्टिविटी में केवल आपका एटीपी पीसी सिस्टम ही है जो आपकी बॉडी में एटीपी को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है, और एटीपी पीसी सिस्टम में आपकी बॉडी में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो आपकी बॉडी में थकान भी नहीं हो रही है. ओके, नाउ अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी 10 सेकंड से ज्यादा की है, दैट मीन्स अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी कम से कम 3 minutes की है, तो इट इज बुक्स में आपको 2 to 3 minutes लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 3 minutes लिखा हुआ है. अदरवाइज आपका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 3 books, मतलब बुक्स में 2 to 3 minutes का लिखा हुआ है. तो जो लैक्टिक एसिड
सिस्टम है वो यस यस स्तुतपा, तो यहाँ पे देखिए जो लैक्टिक एसिड सिस्टम है ये 3 मिनट तक आपका काम करता है एटीपी को दोबारा से रीजनरेट करता है। दैट मींस ऐसी एक्टिविटी जो 3 मिनट्स तक की होती है उसके लिए लैक्टिक एसिड सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, वही आपकी एटीपी को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपकी एक्टिविटी 3 मिनट से भी ज्यादा की है, एग्जाम्पल 1500 मीटर, ओके 1500 मीटर हो गया, 800 मीटर हो गया एंड 5000 मीटर हो गया, और कोई भी टीम गेम हो गया, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ये सारे टीम गेम्स में भी अब यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो ड्यूरेशन आपकी ऑफकोर्स 3 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे आपका एरोबिक सिस्टम ही आपकी एटीपी को दोबारा से रीजनरेट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एक और ग्राफ देखें, एटीपी स्टोर्स, तो एटीपी एकदम से 3 सेकेंड में अंदर ये खत्म हो जाता है, 2 से 3 सेकेंड में एटीपी पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा है एटीपीपी सिस्टम, तो ये दोबारा से एटीपी को रीजनरेट कर रहा है, ब्लू लाइन देखो दोबारा से एटीपी को रीजनरेट कर रहा है, और ये भी 10 सेकंड में खत्म हो जाता है। ठीक है, 10 सेकंड में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो तीसरे सिस्टम के ऊपर आपकी बॉडी डिपेंड हो जाती है, सेकंड सिस्टम के ऊपर आपकी बॉडी डिपेंड होती है, वो है लैक्टिक एसिड सिस्टम। अब लैक्टिक एसिड सिस्टम की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, बट फिर भी ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से ये भी 2 मिनट में खत्म हो जाता है। फिर आपकी बॉडी डिपेंड हो जाती है एरोबिक सिस्टम के ऊपर, जो कि मतलब 2 मिनट के बाद की जितनी भी एक्टिविटी है वो आपकी बॉडी एरोबिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो जाती है। अब यहाँ पे बात 2 इंपॉर्टेंट है, एक ये कि फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, और दूसरी कौन सी है कि बाई प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि जब भी लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेट होगा एटीपी को दोबारा बनाने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट, दैट मींस या तो ग्लाइकोजन या तो ग्लूकोज, आपकी बॉडी यूटिलाइज करेगी, और बाई प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड। तो जितने भी लोगों ने बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बोला था, यस बिंदु, सुतप्पा, यस सुमन, अल्पेश, तो यहाँ पे देखिएगा कि लैक्टिक एसिड बनेगा कब, जब आपकी एनरबिक एक्टिविटी होगी, और एरबिक एक्टिविटी अगर होगी तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये कई बार एग्जामिनेशन में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर एरबिक केमिकल रिएक्शन है तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर। और यहाँ पे 3 मिनट से ऊपर की एक्टिविटी के लिए एरबिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि ये हो कैसे रहा है, वॉट आर द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये किस तरीके से चीजें की जा रही है। नाउ अब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि भाई एटीपी कितना कितना दिया जा रहा है। तो जो एटीपी सिस्टम है, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी नहीं है बल्कि ड्यूरेशन है, दैट मीन्स अप टू 10 सेकेंड, मतलब जितनी भी आपकी ड्यूरेशन 10 सेकेंड की होगी उसके लिए एटीपी सिस्टम ही एटीपी को रीजनरेट करेगा, इतना है। ओके, नाउ अगर एनरोबिक की बात की जाएगी तो एनरोबिक के लिए आप देखेंगे, यस बिंदु, एनरोबिक के लिए आप देखेंगे कि 2 ATP बन रहा है, दैट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रीजनरेट हो रहा है। अगर एरोबिक सिस्टम की बात करेंगे तो एरोबिक सिस्टम में देखिए कितना हो रहा है, टोटल ये अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 38 ATP बन रहा है फ्रॉम द एरोबिक सिस्टम, जिसमें से एरोबिक सिस्टम भी आगे जाके 3 सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है, वो है एरोबिक सिस्टम, मतलब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 3 सिस्टम में डिवाइड हो जाता है, तो 2 ATP मिलते हैं आपको एरोबिक से, 2 ATP मिलते हैं आपको क्रेब साइकिल से, और 34 ATP मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो एरोबिक क्या होता है, क्रेब साइकिल क्या होता है, ETS किस तरीके से काम करता है, ये सब बातें हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एटीपी क्या होता है, एटीपी किसके अंदर में हम लोग पढ़ रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी किस तरीके से यूटिलाइज की जा रही है और किस तरीके से फॉर्म हो रही है। एनर्जी के लिए जो सबसे मेन सोर्स है वो है एटीपी। अब एटीपी 3 से 4 सेकंड में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब एटीपी को दोबारा से रीजनरेट करना है क्योंकि एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है, तो एटीपी दोबारा से रीजनरेट 3 सिस्टम्स की वजह से होता है, तो एटीपी सिस्टम और एनरोबिक सिस्टम और एरोबिक सिस्टम। अब इन तीनों में जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन के ऊपर। अगर आपकी ड्यूरेशन 10 सेकंड तक की है तो उसके लिए आपका एटीपी सिस्टम काफी है, और अगर आपकी ड्यूरेशन 2 मिनट तक की है तो उसके लिए आपकी बॉडी डिपेंड हो जाती है एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। अगर आपकी ड्यूरेशन 2 मिनट से ऊपर की है तो आपकी बॉडी डिपेंड हो जाती है एनरोबिक सिस्टम के ऊपर। और किस किस सिस्टम से कितना कितना एटीपी मिल रहा है वो भी यहाँ पर लिख चुके हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द 3 एनर्जी सिस्टम, भाई ये जो तीनों एनर्जी सिस्टम है
वो किस तरीके से वेट करेंगे, देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी है, अगर एक्सप्लोसिव टाइप की फिजिकल एक्टिविटी है तो उसके लिए एटीपी पी सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड, अगर एक्सप्लोसिव नहीं है, अगर एंड्योरेंस टाइप की एक्टिविटी है तो उसके लिए एरोबिक सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड, इंटेंसिटी कितनी है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसके लिए एनरोबिक और एटीपी पी सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड, अगर एरोबिक होगी लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी उतना आपका जो सिस्टम है वो एटीपीपी सिस्टम और एनरोबिक सिस्टम यूज करेगा. ओके चलिए नाउ नेक्स्ट इज, पहला सिस्टम की बात करें एटीपीपीसी सिस्टम. तो एटीपीपी सिस्टम एक पहला फेज है, फर्स्ट सिस्टम है, तो इसका हम लोग फुल फॉर्म देख ही चुके हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड फॉस्फोक्रिएटिन. तो एटीपी स्टोर्ड इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, और मैंने आपको बताया था कि मसल्स है ना. ओके तो एटीपी कहां स्टोर होता है, आपके मसल्स में स्टोर होता है. मसल्स में भी कहां पे, मसल सेल. ओके अब मसल सेल को क्या कहते हैं, मसल सेल इज आल्सो नोन एज द मसल फाइबर. तो मसल सेल को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं. और मसल फाइबर के अंदर, मसल फाइबर के भी अंदर एक और मायोफिलामेंट्स है, वो है मायोसिन. तो एटीपी मायोसिन हेड्स में भी स्टोर होता है. एक तो ये चीज हो गई, लिख लीजिएगा कि मसल के अंदर क्या है, मसल सेल है. मसल सेल को क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं. मसल फाइबर में भी एक और मायोफिलामेंट है अंदर जाकर, वो है मायोसिन. मायोसिन की जो हेड्स होती है वहां पर एटीपी स्टोर होता है. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा, एटीपी इज आल्सो स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया. जिन्होंने भी माइटोकॉन्ड्रिया आंसर दिया, बिल्कुल सही है आप. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बिंदु, अल्पेश, हरीश, गुड इवनिंग. यस ओके, क्लियर हो गया ये चीज. नाउ अब एटीपी पी सिस्टम में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है. ओके दैट मींस जब एटीपी टूटती है तब भी कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता. जब एटीपी पी सिस्टम यूज हो रहा है और वो आपकी एटीपी को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है, तब भी कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. ओके नाउ नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. भाई ये बहुत जल्दी यूज होता है, खत्म बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्सप्लोसिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, और खत्म भी बहुत जल्दी होता है. इट यूजेस वेरी रैपिडली. द एटीपी सिस्टम कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली बट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट मींस अप टू 10 सेकंड्स ओनली. ओके नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड पावर मूवमेंट. जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ और पावर मूवमेंट्स होंगी उसके लिए एटीपी सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड, और वही आपके एटीपी को बहुत जल्दी इंस्टेंट तरीके से रिफॉर्म करेगा. फोर्थ पॉइंट इज सेइंग इंपॉर्टेंट इन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग. जितने भी मैंने एक्सप्लोसिव की बात करी, जितने ज्यादा हार्डनेस उतना एटीपी पीसी सिस्टम, और अगर हार्डनेस की ड्यूरेशन ज्यादा होगी तो फिर आपका एनरोबिक सिस्टम यूटिलाइज करेगा एटीपी को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए. ओके नेक्स्ट इज द सोर्स फॉर फ्यूल फॉर एटीपी पीसी सिस्टम इज द पीसी. ओके तो ये जो फ्यूल यूज होता है दैट इज फॉस्फोक्रिएटिन. आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्रिएटिन का पाउडर, मतलब क्रिएटिन को कंज्यूम करते हैं, एक्स्ट्रा क्रिएटिन. तो वो एक्स्ट्रा क्रिएटिन को कंज्यूम इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी में क्रिएटिन का अमाउंट बढ़ जाए, और अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिन का अमाउंट बढ़ेगा तो आप एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स ज्यादा देर तक कर पाएंगे. अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी जितना क्रिएटिन है वो तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, अगर आपने अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा क्रिएटिन ऐड किया तो आपकी बॉडी वो उन ड्यूरेशन से ज्यादा ड्यूरेशन तक एक्टिविटी कर पाएगी. दैट मीन्स 10 सेकंड से ज्यादा की आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, एक्सीड हो जाएगी, तो आप ज्यादा अच्छे से वो मूवमेंट्स कर पाएंगे. ओके नाउ रिप्लेनिशिंग स्टोर्स ऑफ पीसी टेक्स अप टू 6 मिनट्स ऑफ द रिकवरी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये जो रिप्लेनिशिंग, मतलब जो फॉस्फोक्रिएटिन आपकी बॉडी में खत्म हुआ है तो वो दोबारा से 6 मिनट्स में रिकवर हो जाएगा. अब ये फॉस्फोक्रिएटिन आपकी बॉडी में खत्म हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना. तो अगेन फॉस्फोक्रिएटिन ऑल्सो स्टोर इन योर मसल्स. ओके मसल्स में ही स्टोर होता है, तो मसल्स में ही एटीपी भी स्टोर हो रहा है और मसल्स में ही फॉस्फोक्रिएटिन भी स्टोर हो रहा है. ठीक है नाउ तो ये हो गई आपके पहले सिस्टम की बात. तो पहले सिस्टम बहुत क्लियरली समझ में आया. अब पहले सिस्टम में कोई भी ज्यादा कोई खास केमिकल रिएक्शंस नहीं है, क्योंकि इसीलिए कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है. तो वहां पे जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये कि किसके लिए यूज किया जाता है. देखो आप लोगों का जो लेवल है ना, मतलब टीजीटी और पीजीटी के लिए, उसी लेवल की मैं यहाँ पे आज वीडियो लेकर आई हूँ. अदरवाइज अगर यूजीसी की बात की होती तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा होती. आपके एग्जामिनेशन के लिए केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके एग्जामिनेशन के लिए जो जो चीजें हैं, जैसे फ्यूल कौन सा चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, किस किस एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गया हमारा पहला सिस्टम.
दूसरा हो गया सिस्टम टू, दैट इज द एनरोबिक और लैक्टिक एसिड सिस्टम. इसको लैक्टिक एसिड सिस्टम इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है. ओके, नाउ इट द नेक्स्ट मेजर फेज इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड सिस्टम. द बॉडी रिक्वायर्स अनदर इंग्रेडिएंट दैट इज मसल ग्लाइकोजन. अब अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन खत्म हो गया, फॉस्फोक्रिएटिन खत्म अगर हो गया तो आपकी बॉडी किसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, जो आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं और जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है. ओके, और ग्लाइकोजन क्या है? अच्छा, ग्लाइकोजन में और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? हो सकता है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ, बट हमारे पास ड्यूरेशन कम है और सिलेबस बड़ा है, तो दिस इज दैट. ये हो सकता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन मुझे आज ये टॉपिक खत्म करवाना ही है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. अच्छा, टॉपिक समझ में आ रहा था, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो समझा रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि मैं जो समझा रही हूँ वो आप तक रीच करे. ओके, नाउ मसल ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. क्या है ये? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो जो ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, और जो ग्लूकोज है ये है यूजेबल फॉर्म. तो ये क्या है? ये यूजेबल फॉर्म है. यस, सो मच. एक्चुअली वहां पे जो फैटी की बात हो रही है, तो इट इज अबाउट दी फैटी, मतलब उतना अमाउंट ऑफ फैटी नहीं, फैटी की भी इंटेंसिटीज काफी अलग अलग होती है. तो यहाँ पे फैटी वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो कोई भी चीज जब खत्म होती है तो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, तो उस कमी को हम लोगों ने फटीक के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है. बुक्स में इसी वे में आपको मिलेगा. तो वहां पे जो फटीक है उसका मतलब यही है कि जब भी आपकी बॉडी में कुछ खत्म होता है तो आपकी बॉडी लाइक डिक्रीज हो जाती है, तो उस डिक्रीमेंट को ही वहां पे फटीक का नाम दिया हुआ है. ठीक है सोमा. ओके, नाइस क्वेश्चन. यस यस, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो भाई जो ग्लाइकोजन है वो है स्टोर्ड फॉर्म, और जो ग्लूकोज है ये है यूजेबल फॉर्म. तो जब भी आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है, किसी एनर्जी को यूज करती है, तो वो होता है यूजेबल फॉर्म. क्या है? ग्लूकोज. तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज करती है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके मसल्स में और आपके लिवर में स्टोर हो जाता है. ग्लाइकोजन दो जगह पे स्टोर होता है, एक आपके मसल्स में, दूसरा लिवर में. ओके, नाउ कितना कितना अमाउंट आपके बॉडी में स्टोर होता है? तो बॉडी स्टोर्स अबाउट 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी एंड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. तो मैंने आपको बताया कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 2000 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, अगर ये पूरा अमाउंट 500 ग्राम यूटिलाइज किया गया तो. तो 500 ग्राम बेसिकली मिला के बना हुआ है. अगर हम लोग मसल्स की बात करें, मसल्स, तो मसल्स में जिस अकॉर्डिंग बुक्स में दिया हुआ है, मैं वही बताऊंगी आपको यहाँ पे, तो 70 किलोग्राम का अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए उसकी बॉडी में, उसकी मसल्स में अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन होगा, स्टोर हो सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है. और अगर लीवर की बात करें तो लीवर में 1.5 किलोग्राम का अगर लीवर है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 120 ग्राम स्टोर हो सकता है. कुल मिलाकर इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 अबव ग्राम ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन योर मसल्स एज वेल एज योर लीवर. ओके, और इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया तो 2000 किलो जूल रिलीज हो सकती है एनर्जी. नाउ दिस सिस्टम ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट, अ फ्यूल इज लिमिटेड सप्लाई इन द बॉडी. तो जब भी आपकी बॉडी एनरोबिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो जाती है, बट ये भी जो सिस्टम है बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ही होता है, मिनिमम 2 मिनट्स के लिए ही होता है. ओके, तो 2 मिनट्स में फिर आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पे देखिए. तो आपकी बॉडी देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपने कंज्यूम किया. ओके, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला है आपको? फूड से मिला है. ओके, ये सोमा, बिंदु, अहमद, सलेही, सी, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला है? फूड से मिला है, खाने से मिला है. अब मैंने आपको बताया कि फूड में आप पूरे का पूरा जो फूड है वो आपका सेल्स, क्योंकि सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट है, आपका पूरा फूड आपके सेल्स यूज नहीं कर सकते. तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको टूटना पड़ेगा, तब होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस. और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कौन जिम्मेदार है? एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन द केमिकल्स. तो यहाँ पे जब भी एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे, एंजाइम्स हेल्प करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उस कंपाउंड की, उस केमिकल की केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन के बाद वो चीजें टूटना शुरू होंगी. तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा कौन मुझे बताएगा, कम ऑन,
कौन मुझे बताएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? कम ऑन एवरीवन, सभी को आंसर देना बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? कम ऑन, आई वॉन्ट द आंसर, कम ऑन। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रहा है? शुगर में टूट रहा है, शुगर के बाद ग्लूकोज में टूट रहा है, और ग्लूकोज के बाद अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है आपकी बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर होता है। ग्लूकोज के फॉर्म में ही आपकी बॉडी में एनर्जी यूज की जाती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है तो उसमें जब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपकी बॉडी यूटिलाइज करेगी, बट अगेन ग्लूकोज डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करती है, ग्लूकोज एटीपी बना रहा है। Are you getting this? तो जो ग्लूकोज है उसकी बॉडी, आपकी बॉडी उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रही है, ग्लूकोज एटीपी बना रहा है, और एटीपी अगेन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका जब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज बन रहा है। अगेन जब ग्लाइकोजन आपकी मसल्स में स्टोर हो गया है, जब इनएक्टिविटी हो गई है ना, मतलब आप एक्टिव नहीं हो, आप आराम करो, रिलैक्स कर रहो, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में बना था वो अगेन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके आपके मसल्स में और लीवर में स्टोर हो जाएगा। अब जो ग्लाइकोजन है, जब भी एनर्जी की डिमांड होगी ये दोबारा से टूटेगा। इसी टूटने को और बनने को केमिकल प्रोसेसेस कहते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, दैट मींस मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो ग्लाइकोजन दोबारा से टूटेगा। यस अनुराधा, एमाइलेज, दैट एमाइलेज बिल्कुल सही है, दैट इज नॉट माल्टोज, दैट इज एमाइलेज, एमाइलेज बिल्कुल सही है आप। एमाइलेज इज द एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द माउथ। ओके, तो माउथ में जो सलाइवा है, सलाइवा में ये एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ग्लाइकोजन एनर्जी के लिए ग्लूकोज में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के बाद पाइरूविक एसिड बनेगा। ओके, तो पहले पाइरूविक एसिड बनता है, उसके बाद लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के बाद लैक्टेट बनता है। अब लैक्टेट के बाद हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होते हैं। अब इन हाइड्रोजन आयन्स की वजह से ही फैटीक प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि पहले क्या है, जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी में वो टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज के जैसे ग्लूकोज आपकी बॉडी को यूटिलाइज करेगा केमिकल रिएक्शंस के बाद बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब बाय प्रोडक्ट में दो चीजें बन रही है यहाँ पे, पहले बनेगा पाइरूविक एसिड, बट पाइरूविक एसिड में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब लैक्टिक एसिड के बाद बनेगा लैक्टेट, और लैक्टेट के बाद बनेगा हाइड्रोजन आयन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थकान होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये होता है एनरोबिक सिस्टम। नाउ इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्यूल स्टोर्ड इन द मसल एज अ मसल ग्लाइकोजन डिलीवर्ड टू द मसल्स एज अ ब्लड ग्लूकोज। ये बात समझ में आई कि भाई जो भी आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो फिर ट्रेवल करेगा ब्लड ग्लूकोज की थ्रू। ओके, अब इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन हो जाता है आफ्टर 10 seconds, बट मिनिमम 2 seconds, तो केवल 2 seconds तक ही ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। 2 ATP मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस कर रहा है, केवल 2 ATP मॉलिक्यूल। ओके, और दिस इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट बस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, जो भी एक्सरसाइजेस शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है उसी के लिए। यस जीत, शिल्पा, सुतप्पा, विशाल, अरुण, मनोज, अनुराधा, सौरभ, सोमनाथ, ध्रुव, यस दुर्गेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट बस्ट के लिए ही ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नाउ सुइटेबल फॉर 2000 मीटर एंड 400 मीटर, तो यहाँ पे एक्टिविटी के भी नाम लिखे हुए हैं। टेक्स अबाउट 20 टू 60 मिनट्स टू रिमूव एक्युमुलेटेड लैक्टिक एसिड आफ्टर द मैक्सिमल एक्सरसाइज। तो जब भी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो इस सिस्टम को भी दोबारा से रीजनरेट होने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये सिस्टम भी तो डिप्लेनिश हुआ है ना, ये सिस्टम भी दोबारा से खत्म हुआ है, अब इस सिस्टम को भी दोबारा से रिकवर होने के लिए भी, मतलब आपकी मसल्स में दोबारा से ग्लाइकोजन स्टोर होने के लिए कुछ वक्त लगता है, दैट इज द रिकवरी पीरियड। वो है रिकवरी पीरियड। अब भाई रिकवरी पीरियड क्यों दिया जाता है, ब्रेक्स क्यों दिए जाते हैं? इसीलिए ताकि जो आपकी बॉडी में एनर्जी खत्म हुई है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए, है ना। तो यहां पर रिकवरी पीरियड दी जाएगी इतना। तो सपोज करिए अगर 2 मिनट्स के बाद आपकी ड्यूरेशन खत्म हो गई है, अगर 400 मीटर है, सपोज करिए 400 मीटर आपने 2 मिनट में भाग ली, उसके बाद ब्रेक दे दिया, तो ब्रेक जैसे ही दोगे दोबारा से आपका ATP सिस्टम, दोबारा से आपका एनरोबिक सिस्टम दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। बट यहीं पर अगर आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 मिनट से ज्यादा की है कंटिन्यू, तब इसी के बाद जो अगला सिस्टम है एरोबिक सिस्टम वो आपकी बॉडी को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। ओके, सो इट्स बाय प्रोडक्ट लाइक दैट मींस लैक्टिक एसिड कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज रिलेटेड फ्रॉम द मसल्स। तो भाई यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है,
पाइरूविक एसिड बना था जब, ओके पाइरूविक एसिड, अब मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूंगी अदरवाइज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ना इसके फॉर्मुलेज पता होने चाहिए। पाइरूविक एसिड को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको यहाँ पे। तो पाइरूविक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है C3H4O3, ओके ये होता है फॉर्मूला ऑफ द पाइरूविक एसिड। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मूला है और लैक्टेट का भी फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लाइकोजन का फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मुलेज हैं। अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि आपको आज ये सारे के सारे फॉर्मुलेज याद करने हैं, ओके बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही बाई प्रोडक्ट बन रहा है लैक्टिक एसिड, वाई, बिकॉज ये पाइरूविक एसिड जब बना था तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं था, तो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन की वजह से ही ये पाइरूविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल सही है सुमिति सामिया, यस आगे चले। नाउ ये है केमिकल रिएक्शंस। तो अगेन आई एम सेइंग कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस उतनी जरूरी नहीं है, बट हाँ आइडिया होना चाहिए कि अगर एनारोबिक सिस्टम काम कर रहा है तो पहले ग्लूकोज, कुछ कुछ ऑप्शंस में ऊपर ग्लाइकोजन दिया होता है, ग्लाइकोजन गलत ये भी नहीं है और गलत वो भी नहीं है, वो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। पहले ग्लाइकोजन टूटेगा फिर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा फिर पाइरूवेट बनेगा, पाइरूविक एसिड बनेगा, और अगर ये ईस्ट फर्मेंटेशन है तो फिर अल्कोहल और CO2 बनेगा। बट इसकी हमें कोई नीड नहीं है बिकॉज आज हम लोग बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो पाइरूविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बना देगा और लैक्टिक एसिड उसके बाद आपकी बॉडी में एच पॉजिटिव आयंस बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैटी होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पूरे के पूरे एनारोबिक केमिकल रिएक्शन है ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है साइटोसोल में। कहाँ पर? साइटोसोल, दैट मीन साइटोप्लाज्म। यस यस उत्तपा, केमिकल फॉर्मुलाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ओके। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल के अंदर जो लिक्विड कंपाउंड है, ओके जो सेल के अंदर लिक्विड कंपोनेंट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ओके तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, एनारोबिक केमिकल रिएक्शन हो रही है। और वहीं पे अगर हम लोग एरोबिक की बात करें तो एरोबिक केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, यस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है अनुराधा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से क्या बना है, केवल 2 ATP ही आपको दोबारा से रीजनरेट हुआ है, ठीक है आगे चले। तो यहाँ पे देखें कि भाई पहले 6 कार्बन कंपाउंड था, मतलब पहले ग्लूकोज था 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड टूटा किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में, उसके बाद क्या बनाया, एच पॉजिटिव आयंस बनाया, और जो आपकी बॉडी में फिर एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं, एसिडिटी कि एच पॉजिटिव आयन से एसिडिटी इंक्रीज होती है। अब ये सब कुछ बहुत डिटेल में है बट केवल आप इतना ही समझ लीजिए कि इसी की वजह से आपको फटीक प्रोड्यूस होता है, ठीक है आगे चले। नाउ अब ये तो हो गया आपका एनर्जी सिस्टम, अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी सिस्टम 3, ओके तो जो तीसरा सिस्टम है दैट मीन्स अगर आपकी एक्टिविटी 2 मिनट से ज्यादा की है तो आपकी बॉडी तीसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो जाती है, वो है एनर्जी सिस्टम 3, ओके तो इसको ऑक्सीडेटिव सिस्टम भी कहा जाता है और एरोबिक सिस्टम भी कहा जाता है, ओके In this phase, as the term indicates, you are using oxygen as a fuel to break down the carbohydrate first, free fatty acid second, and then protein. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी body nutrients को use कर रही है। तो अभी तक जो हम लोगों ने दो systems की बात करी थी, ATP PC system, दूसरा anaerobic system. तो जो एटीपी पी सिस्टम था उसमें जो फ्यूल यूज हो रहा था वो क्या था, वो तो फॉस्फोक्रिएटिन, जो कि आपकी बॉडी में आपके मसल्स में स्टोर रहता है, ओके वही यूटिलाइज हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो आपकी बॉडी डिपेंड होती है एनारोबिक सिस्टम के ऊपर। एनारोबिक सिस्टम में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, जो आपकी आपके मसल्स में और आपके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है। अब वो भी खत्म हो गया तो आपकी बॉडी डिपेंड हो जाती है ऑक्सीडेटिव सिस्टम के ऊपर। अब ऑक्सीडेटिव सिस्टम में भी 3 न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं, जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में अगेन ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है, और जो फैट्स है, फैट्स आपकी बॉडी में फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में स्टोर है, और जो प्रोटीन है, यस यस यस, तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपकी बॉडी में एज अ एमिनो एसिड स्टोर है,
ठीक है ना, ये सब कुछ एमिनो एसिड्स, बिल्कुल सही है, तो एमिनो एसिड्स की फॉर्म में स्टोर है। अब जब ये चीजें टूटेंगी तो किस तरीके से होगा, देखो द अरेबिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रोसेसेस। तो ये जो अरेबिक सिस्टम है ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा 38 अमाउंट ऑफ एटीपी बनती है। तो इसीलिए ये सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम होता है, इसलिए सिस्टम को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला सिस्टम है, पहला सिस्टम को बोलते हैं एरबिक ग्लाइकोलिसिस, दैट मींस स्लो ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पहले देखो ये स्लो है, काफी स्लो है, और जो क्रेब्स साइकिल और ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तीनों सिस्टम को बात करते हैं। जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये किस किस तरीके से काम करती है, देखिए तो भाई ये जो है कि एनर्जी सिस्टम में जो यूटिलाइज हो रही है केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, ये जो ग्लाइकोजन है ये टूट रहा है ग्लूकोज में, क्योंकि एरबिक ग्लाइकोलिसिस के लिए भी, मतलब एरबिक एनर्जी के लिए भी आप यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है, ग्लूकोज के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बना रहा है, एज अ बाई प्रोडक्ट पाइरूविक एसिड बना रहा है। अब पाइरूविक एसिड, अब यहाँ पर पाइरूविक एसिड के बाद लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है, लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अब ये एरबिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे पाइरूविक एसिड क्या बना देगा, एसिटाइल को एंजाइम बना देगा, क्या बना देगा, एसिटाइल को एंजाइम बना देगा, एंड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद वो यूटिलाइज होगा क्रेब्स साइकिल में, और उसके बाद वो यूटिलाइज होगा ईटीसी में, ईटीएस में, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होते हैं, सबसे पहले क्या, ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में, ग्लूकोज एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पाइरूविक एसिड में, मतलब वही है बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। अब पाइरूविक एसिड क्या बना देगा, एसिटाइल कोएंजाइम बना देगा। अब उसके बाद ये टूटेगा कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में टूटेगा, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो भी चीजें बचेंगी वो सब कहाँ टूटेंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्रेक डाउन होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोजन, वही रिएक्शन लिखी हुई, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है, ग्लूकोज के बाद पाइरूवेट में टूट रहा है, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में टूट रहा है, फिर क्रेब्स साइकिल में वो चीज और ब्रेक डाउन हो रही है, और वही चीज जा रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये चीजें कैसे कैसे हो रही है, क्रेब्स साइकिल, ओके, तो क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेज टू है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने पहला वाला पढ़ लिया एरबिक है ना, तो एरबिक में क्या हुआ है, एरबिक में एसिटाइल कोएंजाइम बन गया है। ओके, तो मैं दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ। तो यहां देखो, यहां से यहां तक दिस इज स्टेज वन, स्टेज वन इज द ग्लाइकोलिसिस। ओके, तो स्टेज वन जो है यहां तक, ओके, यहां तक स्टेज वन है। तो स्टेज वन में क्या हो रहा है कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा है, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये और टूटेगा, और डिवाइड होगा, ये कहां टूटेगा, ये सेकंड स्टेज में टूटेगा, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, टू ब्रेक डाउन द एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये दो तरीके से बनता है, एक बिकॉज ऑफ द फैट्स, व्हेन फैट्स ब्रेक डाउन, जब फैट्स ब्रेक डाउन होता है तब भी बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, और जब पाइरूविक एसिड, और जब पाइरूविक एसिड ब्रेक डाउन होता है तब भी क्या बनता है, यही बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पाइरूविक एसिड टूट रहा है तब भी एसिटाइल बन रहा है, और जब फैट्स टूट रहे तब भी क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। तो जब ये और ब्रेक डाउन कहाँ होगा, क्रेब्स साइकिल में होगा, तो उसी की बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो अब क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में जो एसिटाइल, ये जो कोएंजाइम ए है ये और टूट रहा है ताकि आपको एनर्जी मिल सके, दिस रिजल्ट इन द एटीपी प्रोडक्शन, और इससे क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो एरबिक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एरबिक केमिकल रिएक्शन में जब भी बाय प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है, या तो CO2 बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ओके, This would cause cell to become too acidic. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ओके?
तो हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है, दैट मीन इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी. एसिडिटी मतलब अब अगर हम लोग बात करें कि एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस की, तो एनरोबिक याद करिए सेकंड वाला जो सिस्टम था लैक्टिक एसिड सिस्टम, तो लैक्टिक एसिड सिस्टम में लास्ट में क्या बन रहा था, एच पॉजिटिव आयन बन रहे थे बहुत सारे. जब आपके मसल्स में एच पॉजिटिव आयन बहुत सारे हो जाते हैं तो वहीं पर आपके मसल्स में एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है. बट वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी इसीलिए वो रिमूव नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए आपकी बॉडी में फटीक हुआ और आपको आपकी एक्टिविटी को रोकना पड़ा. बट अगर आपकी आपको आपकी एक्टिविटी को रोकना नहीं है, कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है एरबिक सिस्टम, एरबिक सिस्टम जो है जो एक और सिस्टम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का काम ही यही होता है कि अगर आपके मसल्स में एच पॉजिटिव आयन्स ज्यादा हो रहे हैं तो वो क्या काम करता है, वो उन एच पॉजिटिव आयन्स को किसी के साथ एड ऑन करके, किसी के साथ किसके साथ, एनएडी और एफएडी. ओके, तो ये जो एनएडी और एफएडी ये भी दो तरीके के एंजाइम्स है, क्या है ये एंजाइम्स है. तो ये एनएडी के साथ और एफएडी के साथ ये जो एंजाइम्स है इनके साथ क्या करेगा, रिलेट कर देगा, मतलब कंबाइन कर देगा किनको, एच पॉजिटिव आयंस को. ठीक है, तो एच पॉजिटिव आयंस को इनके साथ क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं, ये सारे के सारे एरबिक से ट्रेवल हो जाएंगे कहां पर, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां पे ये यूटिलाइज कर ले जाएंगे एनर्जी के लिए, है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बॉडी में आपके मसल्स में आपके जो भी सेल्स से है वहां पे फटीग नहीं हो रहा है. वाई, बिकॉज क्रेब्स साइकिल में NAD और FAD जो है इन्होंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा प्रोटोन्स थे पॉजिटिव आयन्स जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया. ओके, तो यही इसका मेन फंक्शन है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि NAD की फुल फॉर्म क्या है, NAD इज द निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एफएडी की फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो ये दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो किसके मेन फंक्शन के लिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू द ETS. तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो यही है इसका मेन फंक्शन. ओके, now the main purpose of the Krebs cycle, bhai Krebs cycle ka main purpose kya hai, the Krebs cycle ka main purpose is to regenerate the hydrogen to the transfer of the electron transport chain. ye maine bataya ki Krebs cycle ka main function kya hai, ki ye jo FAD hai aur jo NAD hai uske through jo extra H positive ions hai usko ETS mein transfer karta hai. okay, taki aur ATP synthesis ho sake aur ATP regenerate ho sake. Now, ये है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये आया है कहां से आया है, जब पाइरूविक एसिड ब्रेक डाउन हुआ और जब लैक्टिक एसिड, सॉरी फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड मतलब और कैसे, जब भी फैट्स ब्रेक डाउन होगा तब भी एसिटाइल बनेगा और जब भी पाइरूविक एसिड टूटेगा तब भी एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा. तो यहां तक जो प्रोसेस था ये प्रोसेस था एरबिक ग्लाइकोलिसिस. तो ये प्रोसेस कौन सा था, ये एरबिक ग्लाइकोलिसिस. ओके, तो एरबिक ग्लाइकोलिसिस जो स्टेज वन है, स्टेज वन में आप देखोगे कि स्टेज वन में पाइरूविक एसिड ब्रेक डाउन हुआ तो और फिर क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम बना. उसके बाद क्रेब्स साइकिल में ये आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम, फिर ये यहाँ पे और ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगा और सिंथेसिस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव आयन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो दो तरीके के एंजाइम्स हैं एनएडी और एफएडी, तो NAD और FAD क्या करेंगे, ये माइनस होता है, ये माइनस टू होता है. ठीक है, ये एक्चुअली एक तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कंबाइन कर देंगे, ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर देंगे, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी इनमें, और ये NAD और FAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंच जाएंगे. दिस इज दी स्टेज थ्री. ओके, नाउ स्टेज थ्री व्हाट इज सेइंग, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्टिव पाथवे ऑफ द एरबिक एनर्जी सिस्टम. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन होती है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि इसीलिए इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा ATP भी बनता है. राइट, यस सुमिति, ओके,
Hydrogen ions, which were combined with NAD and FAD in Krebs cycle, will now get break down to the energy release. Okay, so यहाँ पर जो NAD और FAD जो electrons को sorry जो NAD minus और FAD two minus ये जो ये electrons हैं, ये electrons जब protons के साथ chemical reaction किए तो क्या बन गए थे, ये बन गए थे NADH और क्या बन गए थे FADH2, ये बन गए थे कंपाउंड। अब ये कंपाउंड कहां आ गए थे, ETS में आ गए थे। अब ये कंपाउंड ETS में आके टूट जाएंगे, ओके? तब ये कंपाउंड NADH और FADH ETS में आके टूटेंगे, तब एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी, इतनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही है, किसकी वजह से बन रही है, ये NADH और FADH2 की वजह से बन रही है, ओके? कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही है, 34 मोल्स ऑफ ATP बन रही है, जिसमें से 30 कहां से बन रही है, NADH प्रोवाइड कर रहा है, और 4 कौन प्रोवाइड कर रहा है, FADH2 प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ओके? अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता दो इफ यू आर गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, और आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। मैम ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये चीज क्लियर नहीं थी, अभी सच में ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता दो ताकि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूं, ओके? चलिए, तो यहाँ पे वंस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल अंडरगो फर्दर केमिकल रिएक्शंस, हियर दे आर कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द एंड प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। इसीलिए आपको पसीना आना शुरू होता है। पसीना क्यों आता है, जब भी आपकी एक्टिविटी बहुत लंबे ड्यूरेशन की होती है तो वहां पे कॉन्टिन्यूसली आपको पसीना आ रहा होता है। वाई, क्योंकि आपकी जो एनर्जी सिस्टम है उसमें एरोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल के बाद ETS सिस्टम एक्टिवेटेड है, और जिसकी वजह से आपका जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है ETS का वो है वाटर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाता है, ओके? तो ये था आपका ETS, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म 3 की हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाएगी तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है। कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, कार्बोहाइड्रेट क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज के बाद पाइरूवेट बन रहा है, पाइरूवेट के बाद एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, फिर वो जा रहा है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल के बाद जा रहा है ETC में, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इस तरीके से हम लोगों ने केवल एक की बात करी है, वो है कार्बोहाइड्रेट, ओके? प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन में देखिएगा, प्रोटीन ब्रेक होके किसमें बनता है, एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स ब्रेक होके किसमें बनता है, पाइरूवेट में। ये चीज याद रखना, एमिनो एसिड्स ब्रेक होके बनता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट ब्रेक डाउन होके क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम, और सेम प्रोसेस चलता रहता है। अगेन सेम लिपिड्स, अगर लिपिड से मेटाबॉलिज्म हो रही है, लिपिड अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर फैट्स ब्रेक डाउन हो रहा है, यस शिशुपाल, यस उत्तपा, यस बिंदु, ओके? तो यहाँ पे अगर फैट्स ब्रेक डाउन हो रहा है तो फैट्स बन रहे हैं फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड्स बन रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल अगेन यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, ये तो फैटी एसिड्स कन्वर्ट होकर बनते हैं पाइरूवेट में, पाइरूवेट अगेन एसिटाइल कोएंजाइम में, और अगेन क्रेब्स साइकिल, और अगेन ETS। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे हम लोग बात करें लिपिड्स की, चाहे हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट की, चाहे हम लोग बात करें प्रोटीन्स की, बेसिकली लास्ट में क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के बाद ये टूटता है, तो फिर प्रोटॉन्स जो H पॉजिटिव आयंस है वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, फिर अगेन जो एंजाइम्स है NAD और FAD वो उन प्रोटॉन्स को ETS में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वहां पे NAD और FAD दोनों टूटते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक तो समझ में आया, जितना भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही यहाँ पे कवर कर दिया है। और फैट मेटाबॉलिज्म है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी, टाइम का कुछ लिमिटेशन है मेरे लिए भी, तो इसीलिए मेरा यही कोशिश था कि मैं आज ये टॉपिक खत्म करा दूंगी, लेकिन अभी आज हम लोगों ने केवल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ही कवर किया है, ओके? तो अभी ये बाकी है, बट फिर मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझा दिया कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होती है और कौन सा सिस्टम पहले यूज होता है। तो पहले यूज होता है कार्बोहाइड्रेट, जब आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन का अमाउंट खत्म हो जाता है, फिर आपकी बॉडी डिपेंड होती है लिपिड्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर, फिर जब आपकी बॉडी में फैट्स भी खत्म हो जाता है, बहुत ही रेयर कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फैट्स खत्म होता है, जब फैट्स भी खत्म होता है तो आपकी बॉडी डिपेंड होती है प्रोटीन्स के ऊपर,
और प्रोटीन्स एक ऐसा एक न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है, मसल्स के टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है। तो इसलिए ये एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, बट फिर भी यूटिलाइज होता है अगर बहुत ही रेयर कंडीशन ऐसी होती है। ठीक है, एक बार भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं ये। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा ये सिस्टम खत्म हो जाता है। अगर ये सिस्टम में कुछ भी मिसिंग हो गया है, ये सिस्टम में कुछ भी आपको नहीं समझ में आया, तो दोबारा से आप लोग वो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखना, ताकि ये सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाए और इसके सिस्टम के रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आए तो आप उसको कर पाओ। यस, हाँ यस यस ऋषभ, ऑफकोर्स नोट्स मिल सकते हैं इसके। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने जो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम ग्रुप उसमें देने वाली हूँ, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, मैं पहले ये हटा दूं क्योंकि ये मेरे को करवाना था लेकिन आज हो नहीं पाया। ओके, बीट ऑक्सीडेशन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है हमारे क्वेश्चंस की। ओके चलिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन का टाइम है तो हम लोग फटाफट ये क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। ओके नहीं जाइए मत, जाइए मत भाई, रुक जाओ यस बिंदु, जाना नहीं है अभी, एमसीक्यूज का टाइम है भाई। द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये सभी को बहुत देना है, सभी को आंसर देना है। ओके कम ऑन, सो द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्गेनिज्म बाय, यस यस अब्बास, यस 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 अब्बास। ओके, तो ये इसका जो सही आंसर है कि भाई एनर्जी ऑर्गेनिज्म में हमें कहां से मिलती है, तो दैट इज दी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यस, सी क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक ऑफ द फूड। जब भी आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तभी मेटाबॉलिक, तभी उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं और तभी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बिल्कुल सही है सी वाले, बिल्कुल सही है ऋषभ। ठीक है ऋषभ, यू आर आल्सो करेक्ट फॉर दिस कैटाबॉलिज्म, ये ज्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन ओनली कैटाबॉलिज्म नहीं होता, एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है, तो उन दोनों को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई इसका आंसर सी है। ओके अगर यहाँ पे लिखा होता ओनली ब्रेकडाउन की बात तो इसका आंसर होता बी, अगर लिखा होता कि मेकिंग अप की बात तो यहाँ पे इसका आंसर होता डी। ओके नाउ the second one is saying the spores of short put relies primarily on what energy system, so short put ki jo activity hai wo basically kiske upar depend karti hai, kaun sa energy system ke upar depend karti hai, yes utappa c short put, dekho short put yahan pe kya likha hua hai, short put mein yahan pe jo hai atp system ke upar depend karti hai, lactic acid system ke upar depend karti hai, aerobic system ke upar depend karti hai, ya fir yes fat metabolism ke upar depend karti hai, to yahan pe dekhiyega yahan par Yes, 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 Rishabh. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका सही आंसर है yes, बिंदु, इसका सही आंसर हो जाएगा A, ATP system, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट पुट की एक्टिविटी है वो 3 seconds से कम की होती है, विदिन 3 seconds यू जस्ट शॉर्ट योर, जो आप जो आपका शॉर्ट है वो पुट हो जाता है ना, वो एक्शन परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो इसका सही आंसर है सामिया, बिल्कुल सही है सुमिति, एक्सीलेंट। नहीं सामिया सी नहीं है, अरबी कैसे हो सकता सामिया, शॉर्ट पुट का ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द बीप टेस्ट, अच्छा अब यहाँ पे बीप टेस्ट की बात कर रहे हैं, बीप टेस्ट कहाँ पे यूटिलाइज होता है, पहले आपको याद होना चाहिए कि बीप टेस्ट कौन सा होता है, तो बीप टेस्ट बेसिकली किस चीज की एफिशिएंसी को रिलेट कर रहा है, बिस सिस्टम, यस बिंदु, यस सुमिति, एक्सीलेंट, यस सामिया, एक्सीलेंट, शिशुपाल, सामिया बिल्कुल सही है, खुर्रम, यस 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 आलम, सुतप्पा, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भाई बीप टेस्ट है, देखो बीप टेस्ट होता है फॉर एंड्योरेंस, जब एंड्योरेंस का चेक होता है तब उसके लिए बीप टेस्ट यूज करते हैं। अब इसका जो सही आंसर है वो बन जाता है सी, अरबिक। ओके तो मैंने आपको यही बताया था, मैं आपको यही बताया था कि यस यस ज्योति यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक्सीलेंट साक्षी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर है सी अरबिक, ठीक है ना। तो आपको उसके पहले आपको बीप टेस्ट पता होना चाहिए, बीप टेस्ट इज फॉर व्हाट, जो भी एक बार जाके ना बीप टेस्ट देखो जाके, बीप टेस्ट किस तरीके से होता है, ये एंड्योरेंस के लिए ही यूज किया जाता है, इससे आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के पता चलता है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन, व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस वुड मैच द लैक्टिक एनर्जी सिस्टम, कम ऑन,
कौन सा सिस्टम है जो कि लैक्टिक एसिड एनालिसिस सिस्टम को मैच कर रहा है? यस अरुण, शिल्पा, शिल्पा सी बिल्कुल सही है, यस नीलू, नीलम सी बिल्कुल सही है आप, ऋषभ। चलो ये बताओ, ये फोर्थ वन, विच कंपोनेंट ऑफ द फिटनेस वुड मैच द लैक्टिक एसिड एनालिसिस सिस्टम? यस बिंदु, ओके सी, इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सही है सुसुमन, सी का। देखो ये सी, ये लैक्टिक एसिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड एनर्जी सिस्टम का मतलब यहाँ पे एरबिक कैपेसिटी तो ऑफकोर्स नहीं होगा, एरबिक कैपेसिटी ऑफकोर्स नहीं होगा, और मस्कुलर पावर हो सकता है, मस्कुलर एंड्योरेंस हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगा क्योंकि भाई फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो फॉर एंड्योरेंस, है ना। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाता है, इसका सही आंसर है बी, पावर। ओके, पावर का मतलब ही हो गया कि एक्सप्लोसिव मूवमेंट, और एंड्योरेंस का मतलब हो गया लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, तो सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इसका सही आंसर है यस। ज्ञानी बिल्कुल सही है आप, सोहेल बिल्कुल सही है, बिंदु एक्सीलेंट, बिंदु बिल्कुल सही है, सुमिति, विशाल एक्सीलेंट, तो इसका सही आंसर बी, बिल्कुल सही है आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट फ्यूल सोर्स डज द एरबिक सिस्टम यूज? तो एरबिक सिस्टम कौन सा फ्यूल यूज करता है? कम ऑन, आप सभी लोगों ने इस पूरे पूरी क्लास को अटेंड किया है, तो बहुत जरूरी है कि आप इसके सही आंसर दें। यस तो यहां पे कौन सा फ्यूल है जो कि एरबिक सिस्टम के लिए यूज किया जा रहा है? बिल्कुल सही है, तो यहां पे इसका सही आंसर है सी, ग्लाइकोजन फैट्स एंड प्रोटीन। क्योंकि जब एरबिक सिस्टम की बात करते हैं तो एरबिक सिस्टम तीनों फ्यूल को यूज कर रहा है, ग्लाइकोजन को भी यूज कर रहा है, फैट्स को भी यूज कर रहा है, और प्रोटीन को भी यूज कर रहा है। बिल्कुल विशाल, तोमशी, जस्सी बिल्कुल सही है आप। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बाय प्रोडक्ट डज द एटीपी पीसी सिस्टम प्रोड्यूस? तो एटीपी पीसी सिस्टम कौन सा बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है, कौन सा बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है? नीलम, ज्ञानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप, सी वाले बिल्कुल सही है, अरुण चौधरी एक्सीलेंट आंसर्स, ओके ऋषभ, यस आलम, तो यस का जो सही आंसर बिल्कुल भाई सही बात है, एटीपी पीसीएम बिल्कुल नहीं बना रहा है ना, कोई बाय प्रोडक्ट वहां पे है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका सही आंसर है नथिंग, नो बाय प्रोडक्ट इज बीइंग मेड, दैट मीन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, यस यस यस, फाइव का सी, ओके यस आमिया आलम। देखो इसका अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाई एरबिक कैपेसिटी, जो हाई एरबिक कैपेसिटी है, हाई एरबिक कैपेसिटी को आप कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो एरबिक कैपेसिटी है वो किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ, अच्छा ठीक है, रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, देखो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो एंड्योरेंस डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ए नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद अगर रिएक्शन टाइम की बात करें तो रिएक्शन टाइम भी स्पीड रिलेट होता है, स्पीड के साथ रिलेट करते तो भाई रिएक्शन टाइम भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो बी है या तो सी है, कमॉन, इसका जो सही आंसर है लेम इज सेइंग बी, सुमन इज सेइंग ओके, नाउ करेक्ट आंसर इज सी, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो हाई एरबिक कैपेसिटी है, तो हाई एरबिक कैपेसिटी इज बेसिकली यूज फॉर इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो फिर उसके लिए एरबिक कैपेसिटी, देखो इसका आंसर ना बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि रिमूवल ऑफ द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए भी एरबिक कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी लैक्टिक एसिड रिमूव होगा। बट इसका आंसर ब्रेक भी हो सकता है ना, क्योंकि जब आप ब्रेक देते हैं, जब आप रिकवरी देते हैं, तभी तो लैक्टिक एसिड रिमूव होता है। तो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जो कि पिछले ईयर आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी सही है ना। तो जितनी भी आपकी एरबिक कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एंड्योरेंस कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही इंक्रीज होती है ना। तो ये तो आज यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज क्लियर होते हैं, आपको एटीपी पीसी सिस्टम के बारे में, एटीपी के बारे में, और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, पूरा एनर्जी सिस्टम के बारे में काफी अच्छा खासा आइडिया हो गया है। आई रियली होप कि मेरी क्लास की वजह से आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ से आपको मिला होगा सीखने के लिए। अगर आपको ऑलरेडी ये सब कुछ पता था तो कुछ ना कुछ आपको दोबारा से रिवाइज हो गया होगा, तो एनी हाउ आपका जो बन आर है वो वेस्ट नहीं जाएगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करके जरूर जाना, और वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दिया करो।
ओके मेरा शायद वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच. और अभी नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, एक सेकेंड. ओके तो अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा अभी ऑन ट्यूसडे, तो आई रियली होप कि आप लोग ट्यूसडे को दोबारा से होंगे, ज्वाइन होंगे. अगला टॉपिक हम लोग क्या कंप्लीट होगा वो भी मैं अपने ग्रुप में पूछूंगी. थैंक यू सो मच शिशुपाल, सोहेल, थैंक यू सो मच निवरानी, सोहेल, बिंदु, सुमिति, साक्षी, हसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी डे. एंड अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग जो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलेगी, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ऐसे ही मिलते रहेंगे, अभी 2 महीने हैं हमारे पास, राइट? चलिए, बहुत अच्छा एक कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा आप लोगों के साथ. ओके, ट्यूसडे को मिलते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस संडे.